बसंती दुकान में चलाने लगी है, बसी हुई है पैदाइशी। अच्छा पैदाइशी दुकान है, अगर हल्का सा चला दिया ना, घोड़ी घोड़ा का एक जुनून है, ये नहीं उतरेगा कभी। दो साल नहीं पालोगे, तीसरे साल फिर भी ले आओगे तुम, बचोगे नहीं। ये अफीम का नशा है, 27-28 लीटर वाली, बहुत अच्छा ऑर्डर निकलती है। देखो बिल्कुल, ये 4 महीने की सपनंग ब्याई हो गई। ये है कौन सी नस्ल, कौन सी? ये एचएफ है, होल्स्टीन फ्रीजन। अच्छा चूला देख लो, ये कहाँ शहर वालों में मिलता है देखने को। हीटर और दिखाओ ये। अरे वो रे हीटर भाई तरीके का। ये काफी अच्छी मिल्क की बनेगी, लगभग 20 प्लस 25 प्लस। हेलो दोस्तों, इंडियन जाल बस पर आपका स्वागत है, मैं हूँ आतिफ अनवर। गांव कनेक्शन जारी है, चल ही रहा है गांव कनेक्शन। गांव जा रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में पहुंच रहे हैं। तो यूपी के अभी हम धर्मपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब हम आपको मिलवाएंगे सचिन भाई से, और उनकी एक बछेरी है वो दिखाएंगे, और गाय सब है, गाय बढ़िया एक से एक, ज़्यादा दूध वाली तो वो भी दिखाएंगे। सचिन भाई साथ में यहाँ आ जाओ। सचिन भाई और क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो सचिन भाई आज हम पहुँच ही गए घर पे, आ जाओ जरा जी। आ ही गए चुपचाप से, चुपचाप से आ गए, सरप्राइज दे दिया जी। तो अभी कितने जानवर हैं टोटल? हमारे पास जानवर हैं लगभग 18-20 जानवर हैं। तो गाय कितने लीटर दूध वाली है? लगभग अभी 27-28 लीटर तक की गाय मेरे पास अवेलेबल है। 27-28 लीटर, इससे पहले 38 लीटर तक की गाय अवेलेबल थी यहाँ पर, एक हमारे दोस्त थे वो ले गए जी। तो पशुओं का बहुत शौक है? हाँ जी शौक है। अच्छा कितना टाइम हो गया इस तरह के पशुओं का शौक? काफी समय हो गया, लगभग 9 साल हो गया, लेकिन घोड़ी घोड़ा को तो ये बाबा परदादा से चला रहा है काफी समय से। तो जैसे बात करें कि पहले बछेरी देख लेते हैं, बड़ी खड़ी हुई है, वेट कर रही है हमारा, तो ये बछेरी के बारे में बताइए, क्या नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताओ। इसका बसंती नाम है। बसंती गब्बर के सामने, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम रख देते हैं, लोग सुनती नहीं है प्रॉपर, काफी समय से कहीं से मार दो आवाज तुरंत। अच्छा हाँ तुरंत आवाज देगी। तो कितना टाइम हो गया आपके आपके? ये हो गया मेरे पास 8 महीने हो गए इसको। 8 महीने पैदा ही हुई थी। अच्छा घर की है ये? घर की है, होम ब्रीड है। होम ब्रीड। तो किस घोड़े की है, कैसे? नुकरा था क्या? नहीं नुकरा घोड़ा था, लेकिन इसकी माँ चंपी थी, तो माँ पे पड़ गया है। तो माँ पे, लेकिन वो लाल चंपी थी और ये नीली चंपी हो गई। हाइट वाइट तो ऐसा लग रहा है कि खूब करेगी। अभी क्या हाइट हो गई है इसकी? अभी ये लगभग 56 फंटी वाली 56 है, 56 56 हाइट है। हाइट तो बहुत बड़ी है। हाँ। और जयमंगल है क्या जी? आंखों में जैसे एक आंख में तो शायद ज्यादा है। हाँ, एक आंख में कम है। एक आंख में थोड़ा कम है, कम है हल्का सा। तो ये चंबी में आ गई जी। लेकिन जैसे उम्र कितनी बताई आपने? ये 8 महीने की होगी पूरी। 8 महीने में 56 हाइट तो ठीक जा रही है, बहुत अच्छा हाइट कर रही है। 16 इंच नली की है इसकी। 16 इंच की है। थोड़ा भाई चला के दिखा देना। मैं दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन में पहुंचे हुए हैं, और सचिन भाई एक शानदार बछेरी पाल रहे हैं, और भी जानवर हैं इनके पास, तो एक अलग सा नज़ारा है। ले के आइए। तो बसंती सुन रही है अभी, बसंती दुकान में चलाने लगी है अभी से। बसी हुई है पैदाइशी। अच्छा पैदाइशी दुकान है, अगर हल्का सा चला दिया ना तो और दुकान में करती है। क्या कलाकारी है सचिन भाई, यार बहुत पुराने लग रहे हो यार। पैदाइशी दुकान है। पैदाइशी इसमें दुगामा है, आप में पैदाइशी शौक भरा हुआ है ये, लेकिन बढ़िया है घोड़ी। तो अब क्या इसके बारे में क्या सोचा है, आगे किस तरह से इसको पालना है? इसको बस अच्छी तरह से पाल रहे हैं, अच्छा खिला रहे पिला रहे हैं, देखभाल अच्छी हो रही है। चाल वाल की इसकी जुगाड़ लगा? हाँ, वो भी देखेंगे, वरना इसके ये सोच रहे हैं कि हाइट करेगी। इसकी हाइट देखना है हमारे पास सबसे पहले, तो इसका चाल का नहीं, इसकी हाइट के प्रॉब्लम। हाइट देखना है कि हाइट करेगी क्या, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी हाइट बाज बहुत कम देखने को मिलता है कम उम्र में। हाँ सही बात है। और ये नीली चंपी है, ये 100-101% नुकरा बच्चा देगी। नुकरा बच्चा देगी अगर अच्छे हाइटबाज घोड़े से क्रॉस कराई है, तो ये अच्छा हाइटबाज नुकरा बच्चा देगी। तो अब यही है कि बसंती का बस अब थोड़ा सा वेट करना है बस जी, और वेट के बाद मजे लेना है बस जिंदगी के जी। नली तो यार वाकई बहुत लंबी है, 16 इंच नली है इसकी। हाँ फीते से एक दो बार नहीं, कई बार नप चुकी है। अच्छा जी, तो चलो आओ और जानवर भी देख लेते हैं आपके, और गाय गाय भाई भी देख लेते हैं। तो अब ये देखी बछेरी बसंती, अब कौन कौन सी छठी दिखाओ यार, बड़े यार हम तो हल्के में लेते थे। तो नहीं नहीं ऐसा, यहाँ पर तो हम आए यार सचिन भाई, यार धमाका कर दिया तुमने। ऐसा है, हमने तो शौक ही करते हैं और ज्यादा तो नहीं ना, एक बच्चा रखते हैं। हमारा पीछे भी हमने अच्छे घोड़े पाले थे, नामचीन घोड़े पाले, सुल्तान था हमारे पास, इसकी यादें हमेशा जिंदगी भर रहेंगी। शौक कहाँ से ये, जैसे ये तो चलो आप खानदानी पल रहे हो, तो कभी कोई जैसे आप सुल्तान बता रहे हैं, तो उसकी क्या कहानी थी, कहाँ से क्या? उसकी कहानी थी, हमने सोरों के मेले से लिया था और मंडी का सबसे महंगा बच्चा खरीदा था,
16 इंच नली में ही था उसका, जो मैं चाहता था वो बच्चा मुझे मिला। तो नली पे ज्यादा जोर रहता है जी, हाइट बस। तो कितनी हाइट थी उसकी? उसकी 62 प्लस हो गई थी और थोड़ा सा उसके दिक्कत हो गई थी। वो नुकरा तो नहीं था, छाला जो बन गया था, नुकरा जो था नुकरा। अरे बड़ा अच्छा घोड़ा था वो, मैंने भी देखा। अब ये गाय, सब गाय हैं देख सकते हैं आप। तो ये कितने कितने लीटर की हैं ये सारी? ये वो सबसे उधर वाली गाय खड़ी है, वो लगभग 27-28 लीटर। भैया वो देखा पहले, 27-28 लीटर वाली, बहुत अच्छा डर निकलती है देखो बिल्कुल। ये 4 महीने की सपलंग ब्याई हो गई। ये है कौन सी नस्ल, कौन सी? ये HF है, होल्स्टीन फ्रीजियन। अच्छा जी, तो ये तो बाहर की हैं सब हैं। तो ये 27-28 लीटर दे रही है? हाँ, इसकी ये फिलहाल तो नहीं, अब तो कम, अब तो 22 लीटर है समथिंग। 27-28 लीटर की भैंस है ये, 100% गाय 27 लीटर की। तो देख सकते हैं आप, गाय भी बहुत शानदार शानदार हैं। तो जी गाय का जैसे दूध दूध कितना हो जाता है अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल 2 गाय दे रही हैं और सब हाइपर बछड़ियाँ हैं। ये अपने घर की जनरेशन है सब। ये सब ये नई बन रही है? नई बन रही है। ये काफी काफी अच्छी मिल्क की बनेंगी, लगभग 20 प्लस, सब 25 प्लस होंगी। 20 प्लस 25 प्लस है? हाँ, क्योंकि इनकी जो माँ थी, हमने जो सेल कर दी वो 25 प्लस थी सब, कोई नीचे नहीं थी। अच्छी यार गाय भी, भैंसे भी हैं? हाँ, एक भैंस है, जर्मन शेफर्ड भी पाल रखा है। जर्मन शेफर्ड भी उधर क्या है उस साइड में, उधर भी गाय भैंस चलें, उधर चलते हैं। ये जर्मन शेफर्ड भी एक, पहले एक बार गाय और दिखा दो भैया, ऊपर से दिखा दो, दिखा दो। लाइन से बंधी हुई है एक साथ। ये धर्मपुर में हम, सचिन भाई हमारे साथ हैं। पूरा नाम क्या है सचिन भाई आपका? सचिन चौधरी, जाट हैं हम। अच्छा जाट है जी। ये देखिए चूल्हा, पहले चूल्हा देख लो, ये कहाँ शहर वालों में मिलता है देखने को है। ये क्या है? हीटर, हीटर और दिखाओ ये। अरे वो रे हीटर नई तरीके का, सब टटोल लेते हैं, पूरा घर टटोल लेते हैं आप तो। ये आपकी पहचान बनी हुई है, ये वीडियो गांव का देखो, गांव का हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे भाई, गांव में सब दिखाएंगे। देख रहे हैं ये सब चारा आरा खांदने का सब बंधा हुआ है। ये भी गाय हीटर यार, बहुत बढ़िया था सचिन भाई यार हीटर बहुत अच्छा था। ये भी गाय काफी दूध वाली लग रही है, ये भी अच्छी दूध की गाय। ये भी वही नस्ल है? हाँ, HF है। ये क्रॉस ब्रीड है, देखो इतनी अच्छी बछड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं। यार ये तो बिल्कुल अलग ही है। हाँ, ये तो ये नस्ल अपनी अलग बनाई थी। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छी हाइपर बछड़ी है। हाँ, बहुत अच्छी। दिखाना जरा सामने से इसको, ये अपने आप में एक आने वाले भविष्य में एक अच्छी गाय बनेगी। अलग कलर, अलर भी अलग है, हर चीज इसको अलग देखने को मिलेगी। ये नस्ल दिखाना जरा सामने, क्रॉस ब्रीड है, सामने से दिखाओ जरा। कलर भी अलग है और जैसे जो गायों में, इधर से आओ, इधर से, ये सबसे अलग है। तो ये घर की है, ब्रीड है, होम ब्रीड, होम ब्रीड। तो ये भैंस क्या 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 लीटर वाली है? ये 10 लीटर दूध देती है। तो मुर्रा है कोई भैंस? मुर्रा उधर खड़ी है जो। अच्छा, वो मुर्रा ही थी, मुर्रा प्योर बिल्कुल। ये भी आ गई आपकी, ये बहुत अच्छे दूध की गाय। ये कितना दे रही है? ये फिलहाल अब तो कम दे रही है, क्योंकि ये अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन जब ब्याई थी तो लगभग 20-22 लीटर प्लस दिया था इसने। ये सब वो बनी हुई है, बच्चे हैं इनके जी, बड़े खूबसूरत तैयार हो रही है नस्ल, तैयार हो रही है। ये बाड़ा है हमारा, घोड़ी का ये बाड़ा है, घोड़ी का बाड़ा भी दिखाओ जरा। ये सुकून तो आप ही ले रहे हैं, हम लोग तो बस ऐसे ही हैं बस। सचिन भाई बाड़ा दिखा दो, आप इधर से ही निकल आए बाड़े से ही। तो देख लो भैया, सचिन भाई, सचिन भाई मेले वेले में जाते हो जी? यहाँ तो इतना सुकून में रह रहे, वहाँ तो डेलों में सोना पड़ता है। नहीं, मैं मेले में भी, मैंने अपना टेंट लगाता हूँ 15x15 का। डेले में तो सोना ही पड़ता है, कैसे कैसे है वहाँ पर है बताओ। नहीं, अच्छा फील होता है, मैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि 8 दिन रुकते हैं हम, 15-15 दिन। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और, मगर जो शौक है ना ये अलग ही है। घोड़े का शौक बहुत निराला है। कैसा शौक है घोड़े का बताओ? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगता है घोड़े का शौक। अच्छा, जैसे आप उधर आ जाओ जी, जो जैसे नए लोग हैं जी इस लाइन में, या घोड़े के व्यापार क्या इस लाइन में आना चाहते हैं, तो क्यों आए? ये लाइन कैसी है? जैसे नए लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ नए लोगों को कि जैसे अगर कोई नया बंदा घोड़ी घोड़ा की लाइन में आना चाहता है, तो पहले ज्यादा पैसे का नहीं मैनेज, थोड़ा कम पैसे की कोई घोड़ी अपनी पाले, वो अपना शौक भी उसका होगा पूरा, और वो बच्चा का कोई घोड़ी ले ले और उसको कोई क्रॉस करा के वो अपना बच्चा लेगा, तो उसको जब उसको प्रॉफिट भी होगी साथ में, क्योंकि महंगाई के दौर है, जब प्रॉफिट होगी तो उसका देखा देखी और बराबर वाले को भी शौक पड़ेगा, और उसको आगे भी शौक पड़ेगा, आगे भी शौक पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही घोड़ा ले लिया उसने और चालबाज ले लिया और उसमें खर्चा भी बहुत आता है, खर्चा भी बहुत। हाँ, यही पहला नया शौक के लिए कोई घोड़ी खरीदे, कोई घोड़ी खरीद ले तो घोड़ी से अपना हो जाता है। ट्राली यार बहुत बढ़िया है, हम तो सभी दिखा दे रहे हैं जी।
गांव कनेक्शन का मतलब ही यही है सचिन भाई, गन्ने का बहुबल क्षेत्र है। तो गन्ना ना हो रहा होगा? हाँ, जाटों का बहुबल क्षेत्र है यहाँ पर। अच्छा, तो गन्ने का ज्यादा है इधर। तो सचिन भाई, एक चलते चलते छोटा सा सवाल है जी, ये शौक कैसा लगता है? ये जैसे शौक है, क्या है ये जुनून? है ये शौक क्या है? ये तो घोड़ी घोड़ा का एक जुनून है, ये नहीं उतरेगा कभी। पड़ गया तो पड़ गया, 2 साल नहीं पालोगे, तीसरे साल फिर भी ले आओगे तुम, बचोगे नहीं। ये एक अफीम का नशा है, बहुत बड़ा शौक है और अच्छा शौक भी है। अगर किसी के बच्चे को अगर कोई ऐब है उसमें, कोई शैतानी है उसमें, कोई ऐब नुकस है, ज़्यादा शैतानी करता है, तो उसको घोड़ी दिलवा दो, उसमें लगा रहेगा, सब धुंध दफाड़े छोड़ देगा। बहुत अच्छी बात कही, यही है कि ये शौक एक पूरे दिन इसी में लगा रहेगा वो, पूरे दिन इसी। और एक देखो ये भी है कि शौक में हमारे भगवान और नबियों ने सारे ही धर्म में इसका जिक्र है। और घर पे आंसू पलना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और ये भगवान का बनाया हुआ एक अद्भुत तोहफा है। ये सही बात है, ये तो हमारी किस्मत है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। सही बात, हर कोई नहीं कर पाता, बहुत किस्मत वाला करेगा। तो ये सचिन भाई, अब ये है कि बस अब आपकी ये तैयारी है कि इसको हाइट पे ज्यादा ले जाए। मेरा हाइट का इसका हाइट का करिए बस, केवल ये हाइट करे, मुझे और कोई शौक नहीं, ये हाइट करे, फिर आगे इसको मैटिंग कराता हूँ अच्छे घोड़े से। अच्छे घोड़े, ये नहीं, ये नहीं है कि यूपी में ही, मुझे अगर अच्छा घोड़ा जो हाइटबाज कानबाज मिलेगा उससे मैं इसको मैटिंग कराऊंगा और इसको ये देखूंगा आगे क्या बनेगी जी। तो अब यही है कि आप मेलों वेलों की भी तैयारी जाओगे? हाँ बिल्कुल, सोरों की मिले जाएंगे। चालबाज का शौक नहीं है? बहुत शौक था चालबाज का। अच्छा, पापा को हमारे। अच्छा, शौक है, पापा को भी तो शौक है, पापा को चालबाज का बहुत शौक। आओ थोड़ा सा आगे जी। तो अब जैसे गांव की बात कर रहे हैं, गांव में जैसे आप रखते हो घोड़े जी, गांव में जो आने वाले बच्चे हैं या वो शौक में है? हाँ शौक में है और पढ़ रहे हैं शौक में। देखो इसमें पहले हमारे गांव में 3-4 घोड़ियां पलती थी, फिर कुछ 15 साल शौक छूटा, फिर हमने शुरू किया, पहला घोड़ा सुल्तान लाए, उसका देखा देखी करके लोग कहने लगे, फिर मैं बच्ची लेके आया नुकरी कृष्णा, उसके बाद फिर गांव में एक हमारे गंभीर सिंह चाचा हैं, उनके पास एक वो बच्ची लाए हमारे देखा देखी। तो कुल मिला के ये है कि शौक है, बिल्कुल। आपके बच्चों को बिल्कुल शौक है, वो बहुत जरूरी है। मैं घर पे हूँ या ना हूँ, हमारे घोड़ी घोड़ा का परमानेंट काम होता है, बहुत शौक, जैसे मैं करता हूँ वैसे हमारे घर वाले करते हैं। नहीं, ये होना भी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा सचिन भाई आपका ये शौक देख के। गांव कनेक्शन की हमारी सीरीज चली रही है, और बस ये कोशिश है कि इसमें गांव के जितने भी पशुपालक हैं उनकी चीज़ें दिखाई जाएं, क्योंकि किसानों तक हर कोई नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी कोशिश तो यही है कि भैया घर घर जाएं और दिखाएं। निकल जाओ भाई साहब, निकल जाओ, मज़े से निकलो। तो चलिए सचिन भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद यही करते हैं बस शौक बड़ा अच्छे से आपका चलता रहे। नमस्कार। तो आपने ये वीडियो देखा, गाँव कनेक्शन जारी रहेगा। सचिन भाई हमारे साथ, जो अभी वीडियो में सब उन्होंने अपने जानवरों को दिखाया, एक अच्छे पशुपालक कह सकते हैं आप, और एक अच्छे शौकीन भी कह सकते हैं, उनको आपसे मिलाया और दिखाया, उनके सारे जानवर दिखाए, मज़ा आ गया देख के। आप भी देखते रहिए घर बैठे, क्योंकि गांव कनेक्शन जारी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।